वेलकम गाइस, अब तक हमने डिस्कस कर चुके हैं मिरर फॉर्मूला। गाइस अगर आपको मिरर फॉर्मूला या लेंस फॉर्मूला के क्वेश्चंस में एक्सपर्ट होने है तो गाइस मेरी ट्रिक को हमेशा ध्यान रखें, जो मेरा कॉन्सेप्ट है उससे चलें, तो आपको कोई भी क्वेश्चन जो है आप कर सकते हो। हर क्वेश्चन में आपको पोजिशन, नेचर और साइज निकालना होगा। पोजिशन तो आपकी जो है मिरर फॉर्मूले से पता चल जाएगी, साइज आपका मैग्निफिकेशन से पता चलेगा गाइस, और आपका नेचर भी मैग्निफिकेशन के साइन से पता चलता है। गाइस ये एग्जांपल 10.1 है हमारा एनसीईआरटी का, ये देखते हैं। सबसे पहले जो भी फर्स्ट स्टेप जो होता है कोई भी क्वेश्चन करने का, जो भी गिवन वैल्यूज हैं वो आप लिख लीजिए। मुझे इस क्वेश्चन में दिया गया है रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है आपकी 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है 5 सेंटीमीटर में। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, जहां पे ऑब्जेक्ट रखा है वो उसकी डिस्टेंस जो है मिरर से 5 सेंटीमीटर है। अब सबसे पहले गाइस यहाँ पे जो प्रॉब्लम होती है साइन की, ठीक है, मैंने आपको बताया था साइन कैसे देखते हैं। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर होगा गाइस, ठीक है। अब आपका ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है 5 सेंटीमीटर आगे, ठीक है, इस पोल से, ये 5 सेंटीमीटर है। हमेशा वही रूल याद रखें कि हम पोल को क्या अज्यूम करते हैं, ओरिजिन, और ओरिजिन से लेफ्ट सारी लेफ्ट वैल्यूज क्या होती है, नेगेटिव, ठीक है। इसलिए ये जो U होगा आपका, U से रिप्रेजेंट करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हम वो माइनस होगा आपका। अब आपको रेडियस दी हुई है, रेडियस का मतलब P और C के बीच की डिस्टेंस, ये आपकी रेडियस है। लेकिन मिरर फॉर्मूला में हमें क्या चाहिए होती है, फोकल लेंथ। तो सिंपल है, आपको पता है जो रेडियस की हाफ होती है वो फोकल लेंथ होती है, तो आप फोकल, लेकिन उससे पहले आप साइन देख लीजिए कि क्योंकि पोल से जो है राइट की तरफ है आपके जो है रेडियस या फोकल लेंथ या आपकी फोकल लेंथ, तो वो पॉजिटिव होगी। और अगर आपको जो है याद भी रख सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव होती है गाइस, और कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ आपकी नेगेटिव होती है। तो रेडियस आपको गिवन है, आप फॉर्मूला लगा सकते हैं F=R/2, तो ये आपकी फोकल लेंथ आ जाएगी गाइस प्लस 1.5 सेंटीमीटर। ये आपका फर्स्ट स्टेप है, हमेशा जो है स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करें, जल्दी ना करें, अपने आप को होशियार नहीं समझना है। अगर आप होशियार भी हो तो होशियार वो होता है जो स्टेप से करे क्वेश्चन, ठीक है। फिर आपको जो है यूजिंग मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/F = 1/V + 1/U। इस गाइड यहाँ पे अब क्या करते हैं, हमें निकालनी है वी की वैल्यू, इमेज डिस्टेंस निकालनी है, सब इसी में वैल्यू पुट कर देते हैं। फिर जब आप इसको एक्सचेंज करते हैं ना वैल्यूज को, तो आपकी गलती होती है। इसलिए जो आपको निकालना है उसको या तो लेफ्ट साइड ले लीजिए या राइट साइड ले लीजिए। मैंने 1/F ले लीजिए लेफ्ट साइड में आपका, ये 1/F - 1/U हो जाएगा, ये इधर चला गया ना, इसलिए अब मैं वैल्यूज पुट करूंगा गाइस। अब फोकल लेंथ मेरी कितनी है, 1/1.5, ठीक है, और मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, -1/5, ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप करना, फिर कह रहा हूं जल्दी नहीं करनी है गाइस, ठीक है। अब ये आपका 1/V, इसको मैं क्या लिख सकता हूं गाइस, 2/3, 3/2, ठीक है। और ये आपका जो हो गया, ये माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा। आप इसका एलसीएम लेते हो, 3 और 5 का एलसीएम कैसे लेते हैं, सबसे पहले जो सबसे बड़ा नंबर है उसके आप जो है देखिए, 5 जो है जो 3 को डिवाइड कर सकता है, नहीं, 10 नहीं, 15, हाँ 5 के मल्टीपल्स देखने हैं आपको, जो जो सबसे बड़ा नंबर होगा, तो 3 5 10, ठीक है गाइस, और 5 3 जा, ये 1/V, 13/15, ये आपकी वैल्यू आ गई 15/13 सेंटीमीटर। अब गाइस ये पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव तब वैल्यू आती है जब इमेज जो है यहां पे बनती है, ठीक है गाइस। और आपको मैं एक और ट्रिक बताता हूँ, जो कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा जो इमेज बनती है वो लेफ्ट साइड ही, राइट साइड बनती है सॉरी, तो राइट साइड बनेगी मतलब वी की वैल्यू हमेशा जो पॉजिटिव आने वाली है आपकी, ठीक है, ये आपकी वी आ चुकी है। अब यहाँ पे आपकी वी की वैल्यू आ चुकी है, आपको निकालना क्या है, आपको पोजिशन तो पता चल गई इससे, ये क्या है आपकी पोजिशन, आपको बताना है मैग्निफिकेशन, किस जो ऑब्जेक्ट है इससे छोटा है या बड़ा है। तो आप मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा लीजिए, M = -V/U, माइनस वी कितना है आपका 15/13, यू कितना है आपका -5, मल्टीप्लाई करिए, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1, जो बाहर वाले होते हैं उनकी मल्टीप्लाई, जो अंदर वाले होते हैं उनकी मल्टीप्लाई, -15/65, ठीक है, 5 से काट दीजिए, 5 3 = 15,
गाइज ये वैल्यू जो आ रही है माइनस, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3/15. अब साइन प्लस है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो नेचर है वर्चुअल और इरेक्ट है, और 3/15 मतलब जो वैल्यू है मैग्निफिकेशन की वो लेस देन, सॉरी मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 है जो उसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है. इसलिए जो है इसका मतलब क्या होगा कि ये इतना छोटा होगा, 3/15 इस टाइम्स छोटा होगा क्या इमेज. तो गाइस हमें जो है पोजीशन तो इससे पता चली मिरर फॉर्मूले से, मैग्निफिकेशन आपका जो है मैग्निफिकेशन से साइज पता चला है आपको, और उसके साइन से पता चल रहा है कि उसका नेचर क्या है. आपको पता ही होनी चाहिए जो आपकी इमेज आएगी वो राइट साइड आएगी, इसलिए हमेशा वी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी कॉन्वेक्स मिरर के केस में, और आपकी पॉजिटिव आने वाली है मैग्निफिकेशन की वैल्यू, क्योंकि कॉन्वेक्स के हर केस में जो है दोनों केस में वर्चुअल और डायरेक्टिव बनती है आपकी इमेज, ठीक है गाइस, और आपके जो है छोटा बनती है इमेज. तो इसीलिए आपको जो इमेज फॉर्मेशन है वो आपको भूलने नहीं है, मैंने आपको जो टेबल बनाई थी वो याद रखें आप, उससे आप कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है गाइस. आगे हम और भी क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी के, आप प्रैक्टिस करते रहिए. थैंक यू.